الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نذن ما جاء به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البر يهدي إلى الجنة إن الصدق بر والبر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है उन्होंने सही सही बातें बयान करने की आदना मसरा के बाबा सुनने की और पूरी उम्मत को इन पर अमल की तौफीक अता फरमाया इंसान जिस माशरे में जिस माहौल में पैदा होता है पनपता है बड़क होता है अगर उसका ईमान नूर ईमान कमज़ोर है तो इस कमज़ोरी की वजह से वो दूसरे लोगों की बुराइयों को अपने अंदर जगह दे देता है और वो चीज़ें जो उसके दीन शरीयत सुन्नत का हिस्सा नहीं होती है यही कमी है कि जिन चीज़ों से शरीयत और सुन्नत ने खुद उसके दीन ने उसको रोका है वो उसके अंदर मुब्तला हो जाता है बिल्कुल ऐसे ऐसा ही कुछ अमल इस वक्त अप्रैल की पहली तारीख को होता है अप्रैल महीने की पहली तारीख को जहां और दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग उसको गुनाहों के साथ गुजारते हैं इसी तरह मुसलमान के बच्चे भी या कुछ मुसलमान बड़े लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं जाने में या अनजाने में इसलिए इसी के बाबत चंद ज़रूरी बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में आज अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि इस अप्रैल की हकीकत क्या है जिसको अप्रैल फुल कहते हैं अप्रैल की पहली तारीख को बेतहाशा बेतड़क झूठ बोला जाता है लोगों का मजाक बनाया जाता है और लोगों के साथ हंसी की जाती है तमस्कुर किया जाता है इस्तेहज़ा किया जाता है लोगों को धोखा दिया जाता है लोगों की जान माल इज्जत के साथ खेला जाता है
बड़े बड़े नुकसान इसकी वजह से जानी माली तौर पर वजूद में आते हैं, तो इसकी हकीकत क्या है? और नंबर दो पर कि इस अप्रैल फूल की शरी हैसियत क्या है, यानी शरी एतबार से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अप्रैल फूल की हैसियत क्या है? अगर कोई बंदा इसमें मुब्तला है तो किस किस्म के ख़तरनाक अजाब की दावत दे रहा है और किस किस्म के गुनाहों के अंदर वो मुब्तला है, ये मैं आप हजरात के सामने आज कुछ वजाहत के साथ अर्ज करने जा रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है उसकी तारीखी हैसियत की, कि अप्रैल की पहली तारीख को बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है, जितनी चालाकी के साथ झूठ बोलता है, जितनी मक्कारी के साथ झूठ बोलता है, और किसी इंसान को जितना बड़ा बेवकूफ़ बना लेता है, या किसी इंसान को जो है वो जिस तरीके से चोट कर सकता है, या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या उसको मरवूब कर सकता है, करता है, वो उतना बड़ा अकलमंद समझा जाता है, वो उतना बड़ा समझदार समझा जाता है। उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वाकई में इसने सबसे बेहतरीन अप्रैल फूल मनाया है, आज तक का सबसे बड़ा अप्रैल फूल है, ये कहा जाता है। तो ये अप्रैल फूल, इसमें झूठ की इब्तिदा हुई और इसको इस तौर पर कैसे मनाया जाने लगा, इसकी हकीकत क्या है, इसकी असल क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये मैं आपको चंद मोटे मोटे तारीखी रिवायात की रोशनी में आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ बातें हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। एक कौल ये है, एक बात ये है इसके मुतालिक कि आज से तकरीबन 1450 साल पहले फ्रांस के अंदर उनका जो साल होता था वो जनवरी से नहीं शुरू होता था, वो अप्रैल से शुरू होता था। साल का पहला महीना उनके नज़दीक अप्रैल था, अप्रैल। और जाहिर सी बात है कि जब साल का पहला महीना अप्रैल है तो उसकी पहली तारीख है, तो उसको वो अपनी देवी देवताओं की तरफ मंसूब करते थे, उसकी नस्बत जोड़ते थे। और फिर यह है कि साल का पहला दिन होता था, इसमें खुशियां मनाते थे और इसमें अपने तौर पर तरह तरह के खुराफात करते थे, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे का मजाक बनाने लग गए, एक दूसरे की हंसी उड़ाने लग गए, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने लग गए, एक दूसरे को झूठी बात कह कर के डराने लग गए। तो कहा जा रहा है कि इसकी इब्तिदा यहाँ से हुई। दूसरी बात यह है कि इसकी इब्तिदा चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, माहौलियाती निज़ाम है, माहौल जो तब्दील करते हैं, मौसम जो तब्दील होते हैं, तो मार्च की 21 तारीख से मौसम कुछ तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग इतने बदनसीब और बदबخت था कि उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया, जिनका गोया अल्लाह पर ईमान नहीं होगा, या अल्लाह पर यकीन नहीं होगा, या वो अल्लाह को नहीं मानते होंगे, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां पाई गई होगी, इसके नतीजे में वो ये कहने लगे कि अल्लाह मियाँ जो हालात तब्दील कर रहे हैं, कुदरत हमारे साथ खेल रही है और हमको माज़ अल्लाह बेवकूफ़ बना रही है, इसलिए हम भी एक दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लोगों ने इस दलील को पकड़ते हुए अपने पास में रहने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, झूठ बोल करके उसके साथ जो है मजाक शुरू कर दी, झूठी मजाक शुरू कर दी। तो कहा जा रहा है कि इस चीज की इब्तिदा अप्रैल की पहली तारीख में झूठ बोलने की इब्तिदा यहाँ से हुई। एक बात यह भी है कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया, और यही कि उनके दुश्मन हो गए और उनके पीछे पड़ गए और उनको एक मरतबा गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके वो रूमियों के पास ले गए, रूमियों की अदालत में। तो रूमियों ने फिर उनको यहूदियों की अदालत में ले जाने को कहा, तो उनको सूझी कि क्यों ना इसको इधर से उधर, उधर से इधर करके इनके साथ मजाक किया जाए, यानी अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर,
सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजाक करने के लिए पहले उनको रोमियों के पास ले जाया गए और फिर वहाँ से उन्होंने यहूदियों के पास भेजा उनके मुतालिक फैसला करने के लिए और उनके बाबत जो है कजिया मुकदमा चलाने के लिए। फिर यहूदियों की एक जमात ने फिर दूसरे यहूदी जमात के पास भेजा। ये इस तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो मजाक कर रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इस तौर पर उनको घुमाया जा रहा था। तो एक तरह का एक मजाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इस तौर पर किया जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो कहा जा रहा है कि इब्तिदा अप्रैल फुल की यहाँ से हुई। अच्छा, एक बात और भी है, नंबर चार, स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई, ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया और ईसाइयों ने कब्ज़ा करने के बाद मुसलमानों को बेदरेब कत्ल किया, बेतहाशा कत्ल किया और खून की नदियां बहा दी। इतने में एक मुद्दत गुजर गई, बादशाह ने मुसलमानों के साथ एक पूरा प्लान, सबसे ख़तरनाक प्लान अपने दिमाग के अंदर मनसूबा बनाया, कहा कि इनको किसी न किसी तरह अब दूसरे तरीके से भी हलाक किया जाए। तो उन्होंने ऐलान कराया कि मुसलमानों के लिए दूसरे एक बड़ा इस्लामी शहर हम बसाने जा रहे हैं, इस्लामी मुल्क होगा, अगर लोग यहाँ जुल्म से तंग आ गए तो वहाँ जाना चाहे तो समंदर के किनारे बड़ी बड़ी कश्तियाँ हैं, उनके अंदर सवार हो जाए। मुसलमान बेचारे जुल्म के शिकार दौड़े हुए समंदर बंदरगाह पर पहुँचे, वहाँ जाकर कश्तियों में सवार हो गए। अब उनको समंदर से कश्तियों के ज़रिए से समंदर के सफ़र पे ले जाया गया। मुसलमान बेचारे भोले भाले मजलूम समझ रहे थे कि हम जुल्म से छुटकारा हासिल कर रहे हैं और हम इस्लामी मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन बीच समंदर में जा कर के बारूद के ज़रिए से उसके अंदर सुरंग कर दी गई और उसको डुबो दिया गया और उसके साथ जितने भी ईसाई लोग थे, दो चार मल्ला उसकी कश्ती चलाने वाले वो माहिर थे, वो किसी न किसी जरिए से सबको डुबा करके समंदर से बाहर निकल आए। तो गोया के मुसलमानों को इस तौर पर बेवकूफ़ बना करके उनको दरिया में डबो दिया गया, इसकी खुशी में यह त्यौहार शुरू हो गया और आज मुसलमान भी इसको बड़े जोश और खरोश के साथ मनाता है। खैर, ये तो बात हो गई कि इसकी तारीखी हैसियत क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है, इब्तिदा कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जहाँ से भी हुई हो, जो भी हुई हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो काम किए जा रहे हैं शरीयत की नज़र में वो काम कैसे हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। शरीयत इसको कैसे देखती है, जाहिर सी बात है इसमें झूठ बोला जाता है, इसमें झूठा मजाक किया जाता है, इसमें इस्तेहज़ा किया जाता है, तमस्खुर किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को धोखा दिया जाता है, बाज़ औक़ात उसकी वजह से लोगों के जानों का बहुत भारी नुकसान हो जाता है, माल का बहुत भारी नुकसान हो जाता है और तरह तरह के खुराफात इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। इसलिए मैं तरतीबवार झूठ और झूठे मजाक और तमस्खुर और धोखा और फरेब और तरह तरह की जो उसके अंदर बुराइयां हैं उसका कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर तफसील के साथ मैं आपको उसका जायज़ा पेश करने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि कितनी ख़तरनाक और मोहलिक तरीन इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। रह गई बात झूठ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में झूठे लोगों के ऊपर लानत बरसाई है। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। जाहिर सी बात है कि कोई बंदा झूठ बोलेगा, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा, तो फिर उसको बचाने वाला कौन होगा। और एक बात इसमें यह भी है कि इसमें दूसरे गैर कौम के साथ मुशाबहत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े जैसे अमल के अंदर जो मुहर्रम का 10वीं तारीख का रोज़ा रखते थे उसके अंदर भी यहूदी रोज़ा रखते थे। तो आपने फरमाया कि हम सिर्फ एक रोज़ा नहीं रखेंगे, यहूदियों के उलट करेंगे, यहूदियों से हट करके कुछ अलग करेंगे। इसलिए फरमाया या तो आगे एक दिन का रोज़ा रख लो या पीछे एक दिन का रोज़ा रख लो। रोज़े जैसी इबादत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुशाबहत
पसंद नहीं फरमाई। इसलिए हदीस शरीफ में वारिद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। दुनिया में तो चल जाएगा लेकिन आखिरत का मसला बड़ा नाजुक होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिन लोगों की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, यहूदियों की या ईसाइयों की या किसी और कौम की जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं उसके साथ मिल मिलाप करके ऐसा ही तरीका अपना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में हमारा हश्र भी उनके साथ हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। बरा अभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सिद्क बिर्रुन, सच बोलना नेकी है, वल बिर्र यहदी इलल जन्नत, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, व इन्नल कदीब फुजूरुन, और झूठ बोलना बदी और बुराई है, गुनाह का काम है, वल फुजूर यहदी इलल नार, और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। सच बोलने वाला इंसान जन्नत की तरफ जा रहा है और झूठ बोलने वाला इंसान जहन्नम की तरफ जा रहा है। कोई मामूली बात नहीं है बात बात में। ये तो अप्रैल की मुनासिबत से इसको बयान किया जा रहा है लेकिन आम मुसलमानों का हाल ये है कि बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में इसका एक भयानक नुकसान उठाने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक सलातुन, मुनाफिक आदमी को कैसे पहचाने कि मुनाफिक है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन निशानियां बताई कि उसकी तीन बड़ी बड़ी निशानियां हैं। इदा हद्दथ कदीबा, जब बोलता है झूठ बोलता है। मुनाफिक की क्या अलामत है कि मुनाफिक बोलता है तो झूठ बोलता है, इसका मतलब ईमान वाले में झूठ नहीं होता है। वहदा वाद अखलफा, जब वादा करता है मुनाफिक तो अखलफा खिलाफत से करता है। और इधर तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो अमानत में खयानत करता है। अच्छा, इसमें एक बुराई ये भी है कि इसमें इज्जतों को उछाला जाता है। जो लोग अप्रैल फुल मनाते हैं वो इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, आखिरी बयान में, जो हज्जतुल विदा में दिया था, बड़ा लंबा खुतबा था, तकरीबन 1,25,000 सहाबा उस वक़्त मौजूद थे, आपका आखिरी हज था, आखिरी दिन आपके चल रहे थे, उस वक़्त आपने जो बयान किया होगा वो कितना अहम होगा, आपने जो खुतबा दिया होगा कितना अहम होगा। उसमें जाहिर सी बात है कि जो बातें बयान की होगी, जो अहकाम उम्मत को बताए होंगे कितने अहम होंगे। उसमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहाबीही वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दिमागुम व अमवालकुम व अरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा। जितना मोहतरम ये मक्का है, जितना मोहतरम ये हरम है, और जितना मोहतरम ये महीना है, जितना मोहतरम ये दिन है, इतना ही मोहतरम तुम्हारे नज़दीक लोगों के माल होने चाहिए। जितना तुम मक्का का एहतराम करते हो इतना ही एहतराम तुम्हें लोगों की इज्जत का होना चाहिए। तुम लोगों की इज्जत के साथ नहीं खेल सकते। जितना एहतराम तुम्हारे नज़दीक मक्का का है उतना ही एहतराम तुम्हारे नज़दीक लोगों के माल का है, लोगों की जान का है, इतना एहतराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और अप्रैल फुल में जो लोग झूठ बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया की जीनत बना देते हैं, मोबाइल की जीनत बना देते हैं, और लोग उसके साथ जो है पूरी दुनिया के अंदर उसका मजाक बन जाता है और उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने हरामकारी के अंदर मुब्तला है। अच्छा, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है कितना भयानक जो है जुर्म करता है। एक होली का दिन था, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया लिखा है। तो होली का दिन था, तो जाहिर सी बात है होली के दिन में जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो जो रंगों से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं, एक दूसरे को रंग उड़ाते हैं और रंग से भरपूर होते हैं। तो ये बुजुर्ग जा रहे थे, रास्ते में हर तरफ रंग ही रंग नजर आ रहा था, लोग रंगों से रंगे हुए थे। एक गधा रास्ते के एक तरफ खड़ा था, उसको रंग नहीं लगाया गया था, तो अजीब सा लगा कि सारे लोग रंग में और यह गधा जो है वो रंग में नहीं है। तो हजरत पीर साहब जो बड़े बुजुर्ग थे और बड़ी जमात उनसे बैत थी, उनकी मुरीद थी, उन्होंने उनको एक थोड़ी सी जो है तबीयत के अंदर निशाद पैदा हुआ,
और एक तरह की एक मस्ती सूझी और उन्होंने एक गधे के पास से गाड़ी गुजरी तो उनकी तरफ अपने पान की पीक मार दी पिचकारी और कहा कि तुझे किसी ने रंग नहीं लगाया, अल्लाह मैं तुझे रंग लगा देता हूँ। अब उनका इंतकाल हो गया। किसी मुरीद ने उनको ख्वाब में देखा तो पूछा क्या हाल है, फरमाया कि बहुत बुरा हाल है। ऐसा कैसे हो गया, कहा कि वो जो होली के दिन में गधे को हमने एक तरह का गधे के साथ मजाक किया था उसकी वजह से हमने कौम की मुशाबहत इख्तियार कर ली थी, इसी वजह से पकड़ा गया। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, चाहे फिर वो लिबास में किसी कौम की मुशाबहत हो, चाहे फिर वो बाल बनाने में किसी कौम की मुशाबहत हो, चाहे फिर वो है चेहरा बनाने में किसी कौम की मुशाबहत हो, लिबास में हो, खाने पीने की चीज़ों में हो, अपनी रहनी करने के अंदर हो, वो इन सारी चीज़ों में हमें अपना एक इस्लामी तशख़्स बरकरार रखना चाहिए और अपना एक जो है शियार अलग से बनाना चाहिए। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाह फरमाते थे, मजाक फरमाते थे, लेकिन हलाल जायज़। एक बंदा आया कहने लगा कि मुझे ऊँट चाहिए, तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं आपसे ऊँट मांग रहा हूँ ताकि मैं अपना सामान उस पर ला सकूँ, कहीं से पानी ला सकूँ, कहीं से खजूर ला सकूँ, जो अपनी ज़रूरियात है उससे। अब आप ऊँट का बच्चा दे देंगे तो जो मैं उसके साथ क्या करूँगा, मुझे उसकी खिदमत करनी पड़ेगी और मेरे हालात ठीक नहीं है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि मैं तुझे जो ऊँट दूंगा वो किसी माँ का बच्चा तो होगा, वो किसी माँ से पैदा तो हुआ होगा। तो इस तौर पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमाते थे, उसकी अकहद होती है, लेकिन मजाक में किसी की इज्जत को नहीं खेला जाता है, किसी के माल जान के साथ नहीं खेला जाता है, झूठ नहीं खेला जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है। बहरहाल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का जूता दूसरे उनके साथियों ने छुपा दिया, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु जूता छुपा दिया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इलम हुआ। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान को मजाक में भी और हकीकत में भी मत डराओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम किसी मुसलमान को मजाक में भी और हकीकत में भी मत डराओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जूता छुपाने पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया। बहरहाल तो इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं जो सच बोलने की फजीलत बयान करते हैं और झूठ बोलने के ऊपर भयानक अजाब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे एक मील तक दूर चला जाता है। इदा तदबल अब्दु यतबअदु तबअदअन्हुल मलकु मीलम मिन्नत रिमाजा, एक मील पौने दो किलोमीटर का होता है, इतनी बदबू उससे फूटती है हमें महसूस नहीं होती। फरिश्ते नूर के मखलूक है, उसे पता चलता है झूठ बोलने से जो बदबू फैलती है उसकी वजह से फरिश्ता पौने दो किलोमीटर दूर चला जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है, हुज़ूर ने फरमाया कि हो सकता है। ईमान वाला बखील और कंजूस हो सकता है, फरमाया कि हो सकता है। ईमान वाला झूठा हो सकता है, हुज़ूर ने फरमाया कि ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता है। ईमान और झूठ एक जगह जमा नहीं हो सकते। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ख्वाब बयान फरमाया, फरमाया कि मैं ख्वाब में जब गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक बंदा खड़ा एक बंदा बैठा हुआ है। खड़ा बंदा जो बैठा बंदा है उसके कल्ले को चीर रहा है, कल्ले को चीर करके गुद्दी तक ले जाता है, फिर दूसरी तरफ का चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है, फिर दूसरा चीरता है तो पहला ठीक हो जाता है। तुम पूछा गया कि इसकी वजह क्या हो सकती है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ऐसा झूठ बोलता था जिसकी वजह से पूरी लोगों के दरमियान में लोगों की हंसी उड़ जाती थी। मजाक करते हैं बाज़ लोग बाज़ का, इसकी वजह से उसकी इज्जत उछाल दी जाती थी, ये इसकी सज़ा है। हाँ कोई बंदा झूठ, हमें समझ रहा है कि हम बात कर रहे हैं लेकिन हम उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, अप्रैल फूल मना रहे हैं, और बंदा सामने वाला समझ रहा है कि ये बंदा मेरे साथ सच बोल रहा है, सच्ची बात है, सच बोल रहा है,
लेकिन हम उसके साथ झूठ बोल रहे हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी खयानत कर रहा है, और खयानत बहुत भयानक जुर्म है, उसके ऊपर भी ख़तरनाक वईदे हैं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा झूठ को छोड़ देता है और हंसी मजाक में भी झूठ को छोड़ देता है, तो मैं जन्नत के बीचों बीच एक मकान की जमानत लेता हूँ, एक मकान जन्नत के बीच में दिला देना, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। लेकिन शर्त ये है कि वो झूठ बोलना छोड़ दे, हकीकत में भी झूठ ना बोले और मजाक में भी झूठ ना बोले। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, बाज़ लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, इसकी आदत होती है, गढ़ते हैं, चुटकुले बनाते हैं। आजकल मोबाइल का दौर है, इसके अंदर भी लोग चुटकुले बनाते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं उसके लिए बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है, तीन मरतबा इसके लिए बर्बादी है। अब अपने आप को आबाद करने की लाख कोशिश करें, आबाद नहीं हो सकता, इसलिए कि नबी ने उसके लिए बर्बादी की दुआ बद्दुआ फरमा दी है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ और जो अप्रैल फूल बनाया जाता है उसके अंदर धोखा भी है, तो धोखे के मुतालिक हुज़ूर ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं है, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। अब वो खुद सोचे वो किस में से है। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझी। अब हमें ख़ुद फैसला कर लेना चाहिए कि हम जो है झूठ बोल करके अपना कितना नुकसान करते हैं। इसलिए हर बात जब हमारे सामने आए तो हमें इससे इसके अंदर पहले शरीयत की रोशनी में इसका जो है क्या हुक्म हो सकता है, ये मैं बहैसियत मुसलमान मेरे ऊपर क्या अहकाम लागू होते हैं उसको देख लेना चाहिए, और उसके बाद ही किसी अमल के अंदर शरीक होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर बुरी रस्म से, हर बुरी चीज़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें झूठ से नजात अता फरमाए, झूठ से हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला सच के ऊपर जितनी फजीलतें हैं वो भी हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हर बुराई से हिफाजत फरमाए और हर नेकी बचा लाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन वसहाबिही अजमईन।